वेलकम टू फैक्ट्स एंड फिगर। प्लीज़ यार, ये सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं आप, इसे प्रेस करें और ये बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो। आज का हमारा टॉपिक है स्विफ्ट, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जल्दी से। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on. ग्रिल, ये ग्रिल आप देखेंगे एयर इनलेट के लिए दी गई है जो इंजन को कूल करती है, और ये इसकी हेडलाइट्स हैं जो नॉर्मल हेडलाइट्स हैं VXI में, और दो फॉग लैंप्स दिए गए हैं। और अब बात करते हैं हम गाड़ी के इंजन की, तो सुजुकी ने इसमें 1200 सीसी का इंजन दिया है जो 83 BHP की पावर देता है और 20.4 KMPL की एवरेज ये लोग क्लेम करते हैं। इसका बूट स्पेस देखते हैं तो मारुति इसमें 205 लीटर का बूट स्पेस दिया है, और जिसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 42 लीटर की। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने इंटीरियर की, तो शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं गाड़ी का इंटीरियर सिंगल टोन है, बिल्कुल ब्लैक इंटीरियर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और अब हम अगर कि इसके स्टेयरिंग पे देखें तो बिल्कुल सिंपल सा एक स्टेयरिंग है मारुति स्विफ्ट का, और नीचे आप देखेंगे नॉब है, ये नॉब स्टेयरिंग को टिल्ट करने के लिए दिया गया है। और अब हम इसकी लाइट ऑन करके मैं आपको स्पीडोमीटर दिखाता हूँ। ये देखिए इसका स्पीडोमीटर, ये ऊपर पेट्रोल का है, नीचे इंजन टेम्परेचर के लिए है, और ये आप देख रहे हैं कि ये इसका स्पीडोमीटर है। और राइट साइड में आप देख रहे हैं ये डिजिटल मीटर भी दिया गया है। और हम बात करते हैं एसी वेंट्स की, तो 1, 2, 3 एंड 4 एसी के वेंट्स दिए गए हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ग्लव डिपार्टमेंट, तो ये इसका ग्लव डिपार्टमेंट जो सफिशियंट है। अब हम आते हैं इसके एंटरटेनमेंट सिस्टम पे, तो LXI में कंपनी ने एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया है, VXI में दिया है। और अभी देखेंगे नीचे इसके हीटर और एसी के दोनों का ऑप्शन है, यहाँ पर आप एसी और हीटर सेट कर सकते हो, साथ के साथ अपने ब्लोअर की भी सेटिंग कर सकते हो। और अब हम इसके थोड़ा राइट साइड में आके देखते हैं तो ये इसके पावर विंडोज हैं, सिर्फ LXI में फ्रंट के ही पावर विंडो दिए हैं, जिसमें एक ऑटो वन टच डाउन है। अब हम आते हैं इसके गियर नॉब पे, तो आप देखेंगे इसमें 6 मैनुअल ट्रांसमिशन जिसमें 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स है, और इधर आप देखेंगे एक पावर वोल्ट भी दे रखा है। और अब जैसे मैंने बताया था गाड़ी का इंटीरियर बिल्कुल सिंपल ब्लैक है, सिंगल टोन इंटीरियर आप देख सकते हैं। तो चलो ये आगे की बात, हम जरा पीछे जाके देखते हैं इसका क्या स्पेस है क्या नहीं है। तो अब मैं इसके पीछे आ गया हूँ, देखेंगे सिटिंग के मामले में बिल्कुल स्पेशियस गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ। और अब देखेंगे तो पीछे इसका बिल्कुल सिंपल इंटीरियर, और पीछे पावर विंडो दिया गया है जो आगे नहीं है। और अब अगर देखेंगे तो ऊपर ये इन्होंने रीडिंग लैंप भी दे रखा है, ये इसका रीडिंग लैंप। अब मैं बात करूँ ओवरऑल की, तो गाड़ी का इंटीरियर बेशक ब्लैक है, बट जो लुक देता है दैट वो ऑसम, ये एक मारुति की क्वालिटी है, तो नो डाउट बेस्ट कार।